फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने 500 ग्राम कैरेट्स लेके उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें सारे बारीक से ग्रेट किए हुए कैरेट को डालेंगे। अब इसमें आधा ग्लास दूध डालेंगे और प्रेशर कुकर में 2 विजल तक इसे कुक कर लीजिए। जब सीटी ठंडा हो जाए, ओपन करके अच्छे से इसे स्टिर कर लीजिए। मिलाते रहिए जब तक इसके अंदर का पानी एवापोरेट ना हो जाए। हमें इसके अंदर के पानी को सुखाना है अच्छी तरह से। अभी इस पे 2 चम्मच घी डाल दीजिए ताकि ये नीचे से जले ना और उसमें अच्छे से स्वाद आ जाए। अच्छे से मिलाते रहिए। गाजर का हलवा बनाना है तो थोड़ा मेहनत तो लगेगा ही। इसे टाइम टू टाइम अच्छे से स्टिर करते रहिए ताकि ये यूनिफॉर्मली हर तरफ से कुक हो जाए अच्छे से और नीचे ना जले। आधा चम्मच कार्डमम या इलायची पाउडर अच्छे से मिला लीजिए। हमें अच्छे से गाजर को भूनते रहना है बिना जलाए। अभी मैंने फिर से 1 चम्मच घी डाला है, फिर से भूनते रहिए गाजर को अच्छे से। अभी देख सकते हैं गाजर का रंग थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा डार्क कलर हो गया है। इस टाइम पे आप 1 कप चीनी डालेंगे और मिला लेंगे। चीनी डालने के बाद प्लीज़ याद रखिए, ध्यान रखिए कि इसमें से पानी निकलेगा, तो आपको फिर से इसे चलाते रहना है, स्टिर करते रहना है ताकि पूरा पानी एवापोरेट हो जाए, बिल्कुल सूख जाए। और इसे मिलाते रहिए। एक दूसरे सॉस पैन में मैंने 2 टीस्पून घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या काजू वगैरह भून लिया है 1 मिनट के लिए। उसे अब इस पैन में हम लोग डालेंगे, गाजर में मिला देंगे। मैंने लिया है अमूल खोया, खोया खोवा या मावा जो भी कह सकते हैं। 100 ग्राम तक मैंने डाला है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये आप इस स्टेज में डालिए कि जैसे कि थोड़ी देर में आप गैस ऑफ करने वाले हैं, उससे पहले खोआ डालिएगा, क्योंकि खोआ उबालना नहीं चाहिए या पकाना नहीं चाहिए, वो मेल्ट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।